हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए यूनिट की जिसका नाम है मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। इसमें हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले मैटर क्या होता है, ऐसी चीज थोड़ी सी हार्ड जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, सोनोरस हो, लस्ट्रस हो, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है एज वेल एज इसकी डेफिनेशन भी यही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मैलेबिलिटी। वॉट इज मैलेबिलिटी? Metals are malleable in nature, that is, they can be beaten down into sheets. They can be beaten into sheets. आप उसके ऊपर हैमर से जो है वो थोड़े से जो है वो मारोगे, जो आपका मेटल होता है वो टूटता नहीं है। मेटल इज नॉट ब्रिटल। ठीक है, जो ब्रिटल चीज होती है वो क्या होती है, एक्चुअली वो टूट जाती है। आप किसी के ऊपर भी चीज जो है वो मारोगे उसके अगर दो हिस्से आ जाए, दैट इज दैट थिंग इज ब्रिटल इन नेचर, बट मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। वो क्या होते हैं, वो मैलेबल होते हैं। आप उसके ऊपर जो है वो हथौड़ा मारोगे, आयरन के ऊपर हथौड़ा मारते हो, ऐसा नहीं होता कि आयरन की दो पीसेस हो जाती है, नहीं, आयरन प्रेस हो जाता है, आयरन की शीट्स बनती है। आपने कील देखी होगी, आयरन का नेल होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हथौड़े से मारोगे, ऐसा नहीं होगा कि वो दो कील जो है वो दो में हिस्सों में या तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, नहीं, बल्कि वो जो कील होगी वो क्या हो जाएगा, वो प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका गोल्ड होता है, आपका सिल्वर होता है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट मैलेबल मेटल होते हैं। दैट इज ये जो है वो काफी ज्यादा जो होते हैं इनको हम जो है वो शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा ऐसा क्यों होता है कि जो मेटल होता है वो जो उसको जब आप हथौड़े के साथ मारते हो उसके जो है पीसेस नहीं होते बल्कि वो प्रेस होकर जो है वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है? बिकॉज देखो, कोई ऐसी चीज है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है, वो टूटना नहीं चाहता है। आप कुछ भी करो, आपको थोड़ा सा मार भी रहे हो, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ी हुई है, खाली प्रेस हो गया हो। कोई चीज जो है वो ब्रिटल है, इसका मतलब कि नॉन मेटल की बात कर रहे हो, दैट इज में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की खास नहीं होती। आप उससे कुछ भी हथौड़ा मार दो कि ऐसे जो है वो टूट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मेटल के केस में क्या होती है, वो हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल होता है वो मैलेबल होता है। दैट इज उसको जब आप उसके ऊपर जब आप हैमर मारते हो ऐसा नहीं होता है कि वो जो है वो टूट जाता है, बल्कि उसकी जो है वो शीट बनता है। नंबर सेकंड जो आपके पास है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपने बहुत सारे घर में जो आपके पास वायर लगी होती है, ठीक है, वो सब जो होती है वो क्या होती है, मेटल की बनी होती है, कॉपर की वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है। जो आपका मेटल होता है उसको आप जो एक तार में जो पतली सी पतली तार में जो कन्वर्ट कर सकते हो। एंड वन मोस्ट मैली डक्टाइल मेटल जो होता है, जो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी जो है वो हाई होती है इसकी, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो होता है गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मैलेबल एज, ठीक है, ये होता है डक्टिलिटी, दैट इज कॉज जो है वो किसी भी जो है वो तार में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड होता है आपके पास दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस चीज का क्या मतलब है कि आप जो है सपोज करते हैं आपके पास पतीला है, ठीक है, उसमें गर्म पानी और आपने जो है सपोज करो लोहे का चम्मच उसके अंदर डाल दिया। दूसरी चीज क्या है, आपके पास एक पतीला है और आपने जो है सपोज करो वुडन जो है वो आपके पास एक आपने जो है वो चम्मच डाल दिया, ये आपके पास जो है वो आयरन का बना हुआ, ठीक है। आप बिना जो है टॉवल यूज किए कौन सा जो है वो जो चम्मच है उसको उठा सकते हैं, जाहिर सी बात है वुड वुड जो है ना उतना सा हीट जो है वो उसमें जो है वो इतना सा गर्म नहीं होगा वुडन जो चमचा होगा या फिर वुडन जो स्पून होगा, लेकिन जो आपका जिसमें आपने जो है वो आयरन वाला जो आपने चम्मच यूज किया होगा, ठीक है, वो जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा पीछे, बिकॉज जो आयरन आपका क्या है वो मेटल है। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट? बिकॉज जो आप हीट लेते हो ना नीचे से, तो ये जो आपके पास आयरन होता है ये एटम से मिलकर बना होता है, हर एक चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है। इन एटम में क्या होती है, ये बहुत एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि ये चीज याद रखना, मेटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चल सकते हैं। तो वही क्या होता है इस केस में, जब इसको आप एनर्जी हाई देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इन एनर्जी को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, और इस एनर्जी को जो है वो गेन करते करते क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर भी करते हैं। दैट इज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने जो है वो एनर्जी को पकड़ा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, चला 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 और इस एंड तक भी जो है वो पहुंच गया, ठीक है। दैट इज जो आपका मैटर है वो जो है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है, हीट को जो है वो अपने अंदर जो है वो कंडक्ट कर रहा है।
लेकिन जो आपका वुड होता है वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, ऐसा नहीं कि वुड गर्म नहीं होता लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है दैट जो आपका नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए होता है बिकॉज उसमें जो है आपके पास कोई भी जो है जो एनर्जी को वो गेन करते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है वो ट्रांसफर करने के लिए जो है वो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज करो आपके पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक सपोज करो एक स्टैंड है, बड़ा सा स्टैंड है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दैट मेटल्स कैन कंडक्ट, मेटल्स एक्चुअली कंडक्ट हीट, ठीक है। आपके पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास जो है वो एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का क्या मेरे पास कोई भी जो है रॉ मेटल है, ये मेरे पास जो है वो स्टैंड है, ठीक है, क्या है मेरे पास स्टैंड। और यहाँ पर मैंने क्या लगाई, यहाँ पर मैंने जो है वो कीले जो है वो लगाई है, आयरन की नेल्स, Fe नेल्स, ठीक है, आयरन की नेल्स मैंने लगाई इसके ऊपर बाय मीन्स ऑफ वैक्स, मोम होता है ना, मोम के साथ चिपका दी नेल्स को हमने। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो मैंने यहाँ से जो है वो हीट कर रहा है, इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब हीट करना स्टार्ट किया, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे सबसे पहले ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, उसके बाद जो है वो ये वाली गिरेगी। बेसिकली क्या होगा, जब इसको गर्म करोगे ना, दिस एल्यूमिनियम इज मेटल, मेटल कैन कंडक्ट हीट, तो यहाँ से हीट जो होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को जाए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा ना, जिसकी वजह से जो मोम हो जाएगा ये पिघल जाएगा और जो आपका आयरन जो नहीं होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉप क्यों हुए सारे के सारे आयरन, बिकॉज ये जो मेटल है आपका ये गर्म हुआ, ठीक है, उसी की वजह से जो है वो मोम गर्म हुआ और आपका आयरन जो है वो फॉल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एल्यूमिनियम है वो जो है वो हीट को जो है वो कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तभी पहले ये गिरा, उसके बाद ये गिरा, उसके बाद ये गिरा, क्योंकि हीट जो है वो यहीं से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट मेटल कंडक्ट हीट। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो आसानी से कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगेन चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो चार्ज को जो है वो कैरी करे। सपोज करो आपके पास क्या होती है, आपके पास एक जो है वो ओपन स्विच है, ठीक है ना, उसमें जो है वो मतलब करंट है उसमें। हम क्या करेंगे, हम जो है लोहे की कोई चीज़ उसके ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करो इधर मेरे पास जो है वो स्विच है, मैंने लोहे का लग लिया है सारा का सारा, मैंने इसको टच किया, मुझे क्या लग जाएगा, मुझे करंट लग जाएगा। क्यों करंट लगेगा, क्योंकि इस लोहे में जो है वो क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एक प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि हर जगह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव। नॉन मेटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूव नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन ने जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी किया हमारे हाथ तक पहुंचा, हमें क्या लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर, नंबर फिफ्थ है आपका दैट मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर, लस्टरस इन नेचर। व्हाट इज दिस लस्टरस मींस, दैट इज दे हैव शाइनिंग अपीयरेंस। आप मेटल को जो है जब फ्रेशली कट करते हो ना तो आप देखते हो वहां पे जो है चमक जैसी होती है, हर एक जो मेटल होता है वो क्या होता है, वो उससे बहुत ज्यादा जो है वो चमक प्रेजेंट होती है, दैट इज शाइनिंग अपीयरेंस होती है, लस्टरस होता है। ऐसे क्यों होता है, बिकॉज जब आप लाइट नहीं तभी हम जाके हमें वो चीज जो है दिखेगी, होता है ना ये। तो आपके पास सपोज करो क्या है, एक मेटल, मेटल का टुकड़ा है, मेटल के टुकड़े में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट से प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एनर्जी स्टेट है, दूसरी एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा मतलब बेसिक बता रही हूँ, थोड़ा सा हाई कंसेप्ट, हाई लेवल कंसेप्ट है, बट टेस्टर्स में जो है ये चीज बोलना काफी जरूरी है कि क्यों हमें जो है वो चमकदार दिखता है कोई भी मेटल। बेसिकली क्या है, मेटल किससे बना होता है, एटम्स का। एटम से क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एक स्टेट पे प्रेजेंट है जिसको मैं एनर्जी स्टेट कहते हैं। सपोज करो मैंने ये एक मेटल ले लिया, ठीक है, और उस मेटल का मैंने सपोज करो कि एक एटम का पोर्शन ले लिया जिसमें आपके पास दो एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने मेटल को देखना है, जाहिर सी बात है वो कैसे दिखेगा मुझे, जब इसके ऊपर जो लाइट गिरेगी, जब लाइट गिरेगी किसी के चीज़ के ऊपर तभी तो हमें वो चीज़ दिखेगी। लाइट जब गिरती है ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये एक्साइट हो जाता है और ये जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो चला जाता है। सपोज करो मैंने 10 किलो जूल की एनर्जी जो है वो इसको दे दी, दैट इज 10 किलो जूल की एनर्जी नहीं, उसको मैंने लाइट,
फोटोन, 10 फोटोन ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर जो है वो गिर रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया, जो है वो ऊपर चढ़ा, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब ये ऐसा करता है ना, देखो एक होता है ग्राउंड स्टेट, दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होता है ना उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, मैंने नीचे बनाया लाइट एनर्जी इसकी कम है। दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, उसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, इसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है, जैसे आपके पास ये, ठीक है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, किसी चीज़ के पास जितनी एनर्जी कम होगी ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे आपके पास क्या है, आप दौड़, ठीक है, आपके पास जब दौड़ते हो आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन क्या आप स्टेबल होते हो, नहीं होते। आप कई जगह पे जो है बैठे हुए आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कम है, दैट मीन्स लेकिन बैठे हुए आप टोटली क्या उस टाइम पे स्टेबल हो। इसका मतलब एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, किसी चीज़ की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब मेटल के ऊपर कोई भी लाइट गिरती है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन चूंकि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है इसका मतलब वो स्टेबल ज्यादा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घटकर नहीं करता, वो वापस आना चाहता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब वो वापस आता है ना, जितना फोटोन उसे लिया होता है उतनी फोटोन जो है वो क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। वही फोटोन जो बाहर रिलीज करता है वो हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि मेटल्स के अंदर क्या है, कोई शाइनी अपीयरेंस जो है वो आ रही होती है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द लस्टरस नेचर। तो क्या होता है, एकदम से सुन लो, मेटल जो होते हैं उसमें जो है एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी स्टेट में पहले प्रेजेंट होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट पड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब लाइट पड़ती है ना उसके ऊपर, वो एनर्जी को जो है वो गेन करती है लाइट एनर्जी को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब चूंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होता है, वो चाहता है वापस से आना। जब वो वापस आता है जितनी एनर्जी उसे नहीं होती उतनी एनर्जी वो छोड़ता भी, जो वो छोड़ रहा होता है वही हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है और हमें लगता है कि मेटल जो है वो चमक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। नंबर 6 पॉइंट इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब क्या होता है, रिंगिंग बेल, सॉरी रिंगिंग साउंड। आपके पास जो है एक साइड का कॉइन है और एक साइड आपका वुड है, दोनों को जो है फेंकोगे किस में ज्यादा आवाज आती है, सपोज इसमें जो है वो कॉइन में क्या आती है, कॉइन में ज्यादा आवाज है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सोनोरस नेचर कहते हैं। दैट इज जब आप मेटल को जो है बीट करते हैं किसी भी चीज से, तोड़ते हो, तोड़ने की कोशिश करते हो, फेंकते हो, वहां से क्या होती है, रिंगिंग साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज योर मेटल आर सोनोरस इन नेचर। नंबर 7 इज मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड इन नेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन आल्सो, ठीक है। कुछ जो होती है एक्सेप्शन भी है, जैसे आपके पास सोडियम है आपके पास, ठीक है, आपके पास पोटेशियम है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ, दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ। व्हाई सो, बिकॉज उनका साइज बड़ा होता है, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा नहीं होती है, और ये जो है थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन, फिर बता रही हूँ कि जो आपका सोडियम होता है मेटल होता है, जो अल्कली मेटल होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होती है, और इस वजह से क्या होता है, आप उसको आसानी से जो है, आप लैब में कभी जाओगे सोडियम मेटल को जो है आसानी से जो है आप नाइफ के साथ जो है कट कर सकते, लेकिन क्या लोहे को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, जैसे आपका सोडियम है। आपका एक और एक्सेप्शन है, जैसे आपका मरकरी है, जो मरकरी होता है ना वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, तो इट्स ऑल्सो एक्सेप्शन, ये भी सॉफ्ट नहीं होता, सॉरी ये भी हार्ड जो है वो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर आर एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज हार्ड के बाद हम देखेंगे नंबर 8 इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ जो चीज हार्ड होगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। सो जनरली हम लिखेंगे जनरली इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाई सो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन दैट, बट अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, फॉर एग्जांपल योर सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, इनको आसानी से कट कर सकते हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इनमें जो है वो मेटल और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो डेंसिटी होती है, जो चीज हार्ड होती है उनमें मॉलिक्यूल जो है वो काफी ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। अगेन इन केसेस में क्या होगा, डेंसिटी कम होगी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर होगी,
व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ना, एटम जितने दूर होंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला फोर्स ऑफ मैटर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है एटम है वो टाइटली हेल्ड है, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी, उनकी वो ज्यादा होगी। अगे मैंने बोला ये जनरल है, ठीक है ना, मोस्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ द मैटर जो शो करते हैं, ठीक। ये था आपके पास कुछ हम बोल सकते हैं क्या फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है। अब ध्यान देते हैं हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिल्कुल ऐसी की तरह, ठीक है, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स, सबसे पहली चीज तो नॉन मैलेबल, ठीक है, दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, दे आर ब्रिटल इन नेचर। जो आपका नॉन मेटल होता है ना, उसको आप हथौड़े से मारोगे वो जो है टूट जाता है, जिस चीज को हथौड़े से मारने में जो चीज टूटती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपके नॉन मेटल है, सपोज करो ये नॉन मेटल की दो आइटम्स, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खास नहीं है, अब उसको ऊपर से कुछ भी मारोगे ये जो है वो टूट जाएगा। तो क्यों होता है ये कि हम ब्रिटल होते हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इस केस पे वो क्या होती है, वो वीक होती है, ठीक है। नंबर सेकंड है आपके पास, नंबर सेकंड है आपके पास, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डेंसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की बात करोगे उनमें जो होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास नहीं होती, बट अगेन एज आई सेड दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, सो देयर इज आल्सो वन एक्सेप्शन, दैट इज योर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन इज योर नॉन मेटल, बट अगेन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपके जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड्स ही होती है, वो कार्बन की रॉड ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको एलेट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में पढ़ाया, कार्बोनेट कंपाउंड में, वहां पे आपने देखा कि ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है तीन और कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और हर एक कार्बन में जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, एज एक आपका जो कार्बन होता है वो चार बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रेफाइट में तीन ही बना रहा है, इसका मतलब हर एक कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यही फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे ग्रेफाइट में चलता है, इसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ नॉन, ठीक है। नंबर थर्ड है आपके पास क्या, देयर नॉन मस्टर्स इन नेचर, कोई चमक वमक नहीं होती है, देयर डन एज, बट अगेन एक्सेप्शन इज योर आयोडीन, आयोडीन की जो है वो काफी अच्छी चमक होती है, इट इज नॉन मेटल बट इज एक्सेप्शन बेसिकली, इट इज लस्टरस इन नेचर, ठीक है। नंबर फोर दे आर नॉन सोनोरस इन नेचर, कोई रिंगिंग बेल नहीं होती है, ठीक है, आप कितना भी इसको पटको इससे जो है वो रिंगिंग साउंड जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। फिफ्थ, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मेटल हार्ड होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट अगेन एक्सेप्शन क्या है इसके, इसमें डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना है, डायमंड इज वन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड कितना कलर जो है वो चमकता है, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन आएगा। और डायमंड क्या होता है आपके पास, ये सॉफ्ट नहीं होता, डायमंड तो हार्डेस्ट मटीरियल है हम बोल सकते हैं, ठीक है, हार्ड बहुत ज्यादा होता है ये, तो ये हम क्या बोलते हैं, इसकी एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल तो है लेकिन ये क्या होता है आपके पास, बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट सिक्स जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जो आपके पास नॉन मेटल होते हैं क्योंकि वो जो है थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ज्यादा नहीं होती है, इसका मतलब आप आसानी से थोड़ा सा भी हीट करोगे वो जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन जो है वो डायमंड की आएगी, डायमंड का मेल्टिंग वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन, आई होप आपको जो है वो समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे।